हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में ब्रेकफास्ट की 7 बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन रिच कम ऑयल में बनी हुई रेसिपी शेयर करेंगे, जिनको बनाना बहुत आसान है। इनको खाने के बाद में काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती, क्योंकि प्रोटीन फाइबर रिच है। तो आई होप आपको सारी रेसिपी अच्छी लगेंगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें काफ़ी हेल्दी रेसिपीज़ के लिए। हरी मूंग की दाल दालों में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और न्यूट्रिशियस मानी जाती है। तो 1 कप मूंग की दाल को हमने रात भर भिगो दिया था। आप चाहें तो दाल को थोड़ा अंकुरित कर सकते हैं, नहीं तो भीगी हुई दाल का इस्तेमाल करें। तो 1 कप दाल अगर भिगोते हैं तो काफ़ी फूल जाती है, और फूलने के बाद में लगभग छोटी साइज़ की जो कटोरियाँ होती हैं, 4 कटोरी दाल निकल आती है। तो 1 कटोरी हमने दाल निकाल ली है। भीगी हुई दाल थोड़ी सी अंकुरित हो गई थी, इसमें जितना दाल था जिस कटोरी से हमने दाल ली उसी कटोरी से उतना ही पानी हमने डाल दिया है। इसको हमें ब्लेंड कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा पेस्ट नहीं बनता है हरी मूंग की दाल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं छिलके वाली। छिले में बहुत अच्छा टेस्ट आया, तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा लहसुन काली मिर्च को पीस लिया था, इस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग नमक। इसको और भी अच्छा टेस्ट देने के लिए, एक अच्छा सा बाइंडिंग देने के लिए हमने बेसन का इस्तेमाल करा है। तो 1/2 कप बेसन हमने इस्तेमाल करा है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में कवर करके रख देंगे, ताकि अच्छे से बेसन वगैरह अच्छे से फूल जाए। उसके बाद में थोड़ी सी आप इसके अंदर वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आजकल लौकी का सीज़न है और बहुत हेल्दी होती है लौकी। तो यहाँ पे हमने लगभग 1 कप के बराबर ग्रेट करी हुई लौकी इस्तेमाल करी। हरी धनिया, हरी मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी एकदम एंड में देखेंगे, क्योंकि लौकी थोड़ा सा पानी अपना और रिलीज़ कर देती है। तो थोड़ा सा 1/4 कप के करीब हमने पानी और ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा अगर लिक्विड बैटर बना देंगे तो चीला बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, फिर खाने में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो हल्का सा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा ही बैटर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से फैला देंगे इसको। इस चीले को आप बिना तेल के या फिर 1-2 बूंद तेल लगा के ही बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रहता है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी रेसिपी, और बहुत कम टाइम में बनकर रेडी हो जाती है। इसको खाने के बाद में पेट भी बहुत जल्दी से नहीं खाली हो जाता है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है दाल को भिगोने में, अदरवाइज़ बहुत कम टाइम में चीला बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही हेल्दी हमारा मॉर्निंग का नाश्ता बन के रेडी हो गया है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी के लिए हमने 1 कप मूंग की दाल ली, वापस से भीगी हुई मूंग की दाल। इसमें 1 कप पानी डाला है। इसमें थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल के अंदर सरसों के दाने जो कि अच्छे से भून गए थे उसके अंदर हींग डाल दी है। आप चाहें तो करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है। और अच्छे से इसमें डालने के बाद में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और यहाँ पे 1/2 कप हमने बेसन का इस्तेमाल करा है, 1/4 कप पानी डाला है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, फूल जाएं। 10 मिनट रखने के बाद में बेसन थोड़ा सा पानी सोख लेता है। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करा है। बहुत ज़्यादा सोडा नहीं डालेंगे दाल डालने से। फिर यहाँ पे हम छोटे साइज़ की इडली बनाने जा रहे हैं, जो कि तवे पे बनाएंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाता है अगर आप सोडा ज़्यादा डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। पानी कम लगे तो 2 से 3 टेबल स्पून पानी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि कुछ भी चिपके ना, और छोटे साइज़ के स्पून से इस तरीके से हमें छोटी छोटी सी इडली टाइप की, जैसे हम लोग बनाते हैं इडली स्टैंड पर रखते हैं, वैसे हमें इस तरीके से बना लेना है। इसे कवर करके रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पर कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। अच्छे से फूल जाएंगी और फिर वापस से इसको हमें पलट देना है सारी इडली को, और 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है इसे। और ये हमारी बहुत ही स्पॉन्जी तवे पर बनी हुई इडलियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। ये भी खाने बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें तो काफ़ी फ्लफ़ी सी हो जाती हैं। और इसको चटनी के साथ में आप खा सकते हैं, इसके अंदर सब्ज़ी वगैरह हमने नहीं ऐड करी है। और ये बहुत अच्छा हेल्दी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब 3rd रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने क्या करा है, वापस से 1 कप मूंग की दाल ली है जो कि भीगी हुई है। इसकी हम दाल बनाने वाले हैं। पालक और मूंग की दाल का कॉम्बिनेशन बहुत हेल्दी रहता है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है। तो एक कुकर में हमने 1 कप दाल डाली है, 2.5 कप पानी डाल दिया, जिस बोल से दाल ली थी उसी बोल से पानी डाला, नमक और हल्दी डाल के इसको बस 1 सीटी आने तक पकाएंगे। ओवर कुक करने से दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, फिर उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा आता है। यहाँ पर हमने लिया है 1/2 प्याज, बस काफ़ी बड़े साइज़ का प्याज है, तो 1/2 प्याज को फाइनली हमें चॉप कर लेना है। और यहाँ पे 150 ग्राम हमने पालक का इस्तेमाल करा, इसको भी फाइनली चॉप कर लेंगे। साथ में इसमें ऐड करने के लिए थोड़ा सा लहसुन इस्तेमाल करेंगे, टमाटर 1 थोड़ा बड़े साइज़ का टमाटर, और
इन दोनों का ही मैं पेस्ट बना लेना। एक खड़ी मिर्च हमने डाल दी, जब आप टमाटर लहसुन का पेस्ट बनाए साथ में एक खड़ी मिर्च अगर आप चाहें, या फिर हरी मिर्च आप पीस सकते हैं उससे बाद में, अगर जैसे बच्चे नहीं खाते कभी कभी दाल, तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं साथ में, इसका पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे दाल पक चुकी है हमारी, आप देख सकते हैं कढ़ाई में हमने डाला है बटर या फिर घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और जो प्याज हमने बारीक काट के रखा था उसको डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा हमें भून लेना है लाल लाल, ताकि जो दाल बनाए ना उसमें अलग से सफ़ेद सफ़ेद प्याज ना दिखाई दे। थोड़ा सा नमक डाल के इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी प्याज के साथ में डाल देंगे, और प्याज को हमें लाल होने तक भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का रंग अच्छा सा आ गया है। इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, धनिया डालेंगे, हल्का सा बस 10 सेकेंड के सारे मसालों को मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके में अंदर टमाटर और लहसुन का जो पेस्ट था उसको ऐड कर देते हैं। अब उस मसाले को तब तक हमें भूनना है जब तक कि इस सारे मसाले के अंदर से घी ना छूट जाए। इतनी देर आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है मसाला। इसके अंदर हमने अलग से जो कश्मीरी लाल मिर्च या फिर पेपरिका पाउडर नहीं इस्तेमाल करा है आज, क्योंकि सारी हरी हरी चीज़ें हैं, तो इस वजह से अलग से मिर्च हमने नहीं इस्तेमाल करी है। अब उसमें हमने पालक ऐड कर दी। पालक डालते ही तुरंत सॉफ्ट हो जाती है। 2 मिनट पकाने के बाद में पालक को उसके अंदर हमने दाल ऐड कर देनी है। फिर थोड़ा सा गरम मसाला एकदम एंड में डालेंगे। अब इसे कवर करके 7 मिनट के लिए पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। बहुत जल्दी से पक जाती है क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं। और यहाँ पे 7 मिनट के बाद में हमारी बहुत ही हेल्दी पौष्टिक दाल बन के रेडी हो चुकी है। अब इसमें एक फाइनल तड़का और लगा देते हैं। थोड़े से घी में हमने डाल दिया है लहसुन। इसको ना गुलाबी होने तक हमें भून लेना है लहसुन को। थोड़ा सा यहाँ पर हमने खड़ी मिर्च डाल दी है। इसके अंदर हींग डालेंगे जरूर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है लास्ट में तड़का जब हींग का लगाते हैं तब। अच्छे से भून इसको फ्राई करेंगे और दाल में डाल के इसको कवर कर देना है। तो ये हमारी हेल्दी पालक मूंग की दाल बनके रेडी हो चुकी है। आप इसे लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने फोर्थ रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि थोड़ी सी डीप फ्राई है। कभी कभी बारिश के मौसम में कुछ तला भुना खाने का मन करता है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 कटोरी जो भीगी हुई मूंग की दाल जो लास्ट बची है उसका इस्तेमाल करा है। 1/4 कप मटर इस्तेमाल करेंगे। मटर बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना है। इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाला है, आप चाहें तो हरी मिर्च भी साथ में ही पी सकते हैं। पानी डालना हो तो 1 से 2 चम्मच सिर्फ पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा पेस्ट हमने बना के रेडी कर लिया है, लिक्विड पेस्ट नहीं बनाना है। इसमें डालिए थोड़ा सा नमक, हींग और यहाँ पे कसूरी मेथी जो कि बहुत अच्छा लगता है पकौड़ियों में कसूरी मेथी का टेस्ट, उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना के फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में, काफ़ी क्रिस्पी हो जाती हैं। और जब गरम गरम पकौड़ियों को आप निकालें तो ऊपर से थोड़ा सा और चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डालेंगे ना, अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में। और हल्का सा मटर का टेस्ट आता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं स्पेशली जब बारिश का मौसम हो। तो आई होप आपको हमारी चारों रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। कुछ बिना तेल के आप बना सकते हैं, कुछ ऑयल से बना सकते हैं, और दाल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम चीला बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी इसमें हींग डाली है, नमक डाला है, 2 टेबलस्पून के करीब प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी यहाँ पे हरी मिर्च बारीक कटी, और यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट जिसमें लहसुन ज़्यादा है, अदरक थोड़ी सी कम है। इसके अंदर 1 टीस्पून तेल का इस्तेमाल करा है और पानी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से डालना पड़ता है। अगर 1 कप बेसन लिया है तो 3/4 कप के करीब पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने से चीला बहुत ही गुलगुला सा बन जाता है, वो खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। जब बिल्कुल अच्छे से बिना लम्स का जब आपका बैटर रेडी हो जाए एकदम लास्ट में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा हमें डाल देना है। बेकिंग सोडा डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और थोड़ा क्रिस्पी भी बनता है चीला। यहाँ पे पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो चीला एकदम से जल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, वो भी खाने में फिर नहीं अच्छा लगता है। अच्छे से फैलाने के बाद में इसे कवर करके रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के बीच में, ताकि अंदर तक बिल्कुल सिक जाए। उसके बाद में, वैसे तो आपने चीला खाया हुआ कई तरह का, जैसे पनीर भरा हुआ या फिर सब्जियों से भरा हुआ, आज हम बनाएंगे जैसे स्टफिंग करेंगे ना मटर डाल के, जो कि बहुत टेस्टी लगता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। जैसे आपको पता ही है कि वेजिटेरियन के लिए तो यही सारे सोर्स होते हैं, दालें और बेसन ही प्रोटीन का सोर्स होता है, या मटर एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। और अपनी बात बताएं तो इसको खाने के बाद में दिन भर भूख नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है और फिलिंग भी रहता है। तो यहाँ पे इसको डाला है, थोड़ा सा हमने एक मसाला डाला है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है इस चीले का। थोड़ी सब्जियाँ ऐड करना चाहें तो ऐड करें, नहीं तो बस थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा कलर के लिए हमने यहाँ पे
कैप्सिकम वगैरह डाल दी है, और दोनों तरफ थोड़ा सा बटर लगा के इसको हमें सेक लेना अच्छी तरीके से। आप इसे बिना ऑयल के ही बना सकते हैं, ऑयल के साथ ही बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी हेल्दी, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा मटर के साथ में। अगर मटर आप जब बॉयल करें, एक चीज़ का ध्यान रखना है, उबालते टाइम पर बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो मटर बहुत ज़्यादा पेस्ट बन जाती है, वो भी खाने में फिर नहीं अच्छी लगती। थोड़ा सा पानी डाल के और नमक डाल के मटर को बॉयल कर लें, और उसके बाद इसे फिल करके बनाएंगे, ज़्यादा टेस्टी चीला लगता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहता है। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके। अब बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी कटलेट, जो कि बहुत ही कम आप घी में बना सकते हैं। तो हमें पालक लिए 2 कप के करीब, इसमें नमक लगा के रख देना ताकि पालक में जितना पानी है वो निकल जाए और कटलेट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बने, इस वजह से इसे कवर करके रख देंगे, तब तक बाकी चॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पालक के अंदर सारा पानी था, पानी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका आटे में डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे बोल में 1/2 कप बेसन लिया है, पालक का जो पानी हमने निकाल लिया था पालक ऐड कर दिए, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी और सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बीन्स है, गाजर, ऐसी सब्जियाँ इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज़्यादा पानी ना रिलीज़ करें। तो यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून बीन्स और शिमला मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा हमने कॉर्न इस्तेमाल करा है, हींग डाल दिए, नमक डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसकी वजह से इसके अंदर। और इसमें बस सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं जो इसका डो बनेगा ना, बहुत ज़्यादा पानी जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि सब्जियों का पानी हमने पालक का पानी निकाल दिया था। और पतली पतली सी इसकी टिक्कियाँ टाइप की हमें बना लेनी है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने बटर डाला है, बहुत ही कम बटर के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ, पलट पलट के, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे से फ्राई करेंगे, दोनों तरफ अच्छी तरीके से सिक जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उतने देर तक हमें सेक लेना है। सिकने के बाद जब गरम गरम सर्व करते हैं ना, काफ़ी क्रिस्पी रहती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब बनाते हैं बेसन और सब्जियों में भरे हुए अप्पे, लेकिन इसे कुछ हमने 2 चीज़ें और ऐड करी जिसकी वजह से और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसन इस्तेमाल करा है, लगभग 1/2 कप के करीब। अब इसमें सब्जियाँ डालेंगे, जैसे कि शिमला मिर्च डाल सकते हैं आप, बीन्स, गाजर, पत्ता गोभी जाड़ों के टाइम पर इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, कॉर्न डाल देंगे, कॉर्न बहुत ज़्यादा कड़े हैं तो उनको थोड़ा बॉयल करके डालें, नहीं तो बहुत ज़्यादा कड़े रहते हैं फिर वो। यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाल दिया है। अब 1/2 कप बेसन में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लगभग 1/2 कप के करीब ही हमें पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं अप्पे बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब पानी की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, खाने में फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। अब इसमें 2 मेन चीज़ें डालेंगे, इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो 1 टीस्पून तिल डालेंगे और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल किया है, वो चाहे आप रात भर भिगो के भी डाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर डालने के बाद में बैटर को कम से कम 1/2 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सोक हो जाएं। उसके बाद में एकदम लास्ट में जब आप इसे अप्पे बनाने वाले हों, तब इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद में जैसे आप बेकिंग सोडा डालें, उसके 5-10 मिनट बाद इसके अप्पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अप्पे स्टैंड के अंदर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इसको, और इसके अंदर बैटर को डाल देंगे। और जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अप्पे बनाने हैं तो सारे बैटर के अंदर बेकिंग सोडा ना डालें, नहीं तो फिर अच्छे से फूलेंगे नहीं। थोड़ा बैटर है तो आप बना सकते हैं, ज़्यादा बैटर है तो उसको आधा आधा कर लें, जब आधे के अंदर बेकिंग सोडा डालें, जब और आपको बनाना है तो उसके अंदर आप बेकिंग सोडा दोबारा से ऐड कर सकते हैं। और जब एक तरफ अच्छे से सिक जाए तो दोबारा से इसको एक बार पलट के, एक बार हमें कवर करके पकाना है, दोबारा जब आप सेकें दूसरी तरफ तब कवर करके नहीं पकाना है, 6-7 मिनट के लिए, और दोनों साइड अच्छी तरीके से हमें इसको सेक लेना है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बटर हमने इस्तेमाल नहीं करा है।